फिर काफी समय बीत जाने के बाद सिडनी में ही कृष्णा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उनको कपकपी होती है, तेज गर्मी होती है, और ऐसे लगता है कि जैसे किसी दूसरे डायमेंशन से उनके शरीर पर प्रक्रिया चल रही है। वो चिल्लाने लगते थे कि कोई आवाज मत करो, पूरे घर को पिन ड्रॉप साइलेंस कर दिया गया। यहां से उनकी मेन जो पेन है, जो सफरिंग है, शुरू होती है। घर में कोई आवाज नहीं हो, पूरी तरीके से रोशनी को भी बंद कर दिया गया, आवाज नहीं करते थे, पर इतनी उनकी बॉडी सेंसिटिव हो गई थी कृष्णा की कि जो आवाज जिनको सुना, हल्की आवाज जिनको रोका भी नहीं जा सकता था, या जिनकी ओर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो, पर वो ध्वनि भी कृष्णा को परेशान करती थी। और वो हाफ कॉन्शियस रहते थे और बड़बड़ाते रहते थे कि मुझे भारत में रहना है, क्योंकि उस समय सिडनी में थे। वो कह रहे, वो बोलते थे कि मुझे भारत में रहना है, मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। और रोज रोज इनकी हालत बिगड़ते जा रही थी। और रोजालिंड नित्या की भी सेवा कर रही थी जो पहले, अब वो इनकी सेवा करने लग गई। एक दिन, कहते हैं, नित्या ने लिखा कि एक दिन तो ऐसा लगा कि जैसे किसी दूसरी आत्मा ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया है, पजेस्ड हो जाते ना, वैसा वाला उनको लगा। ये 3 दिन तक के चलते रहा। 3 दिन के बाद एक बार शाम के टाइम में, जब मतलब पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस करके रखे रहते थे, और 3 दिन के बाद वो तकिया लेकर बाहर जाते हैं कृष्णा और बैठ जाते हैं कुर्सी में। तो वहां पर ना एक इनके साथ फ्रेंड बैठे हैं, वुड बैठे हैं, वॉरिंगटन बैठे हैं, नित्या बैठे हैं और रोजालिंड बैठी हैं। तो पता नहीं क्यों वॉरिंगटन को मन में आया कि तुम उस पेड़ के पास जाके बैठो। बहुत बेचैनी लग रही थी कृष्णा को, उस पेड़ के पास जाकर। एक पेपर वृक्ष था। पेपर मतलब अपन मिर्ची वाला बोलते ना, पता नहीं वो मिर्ची का है कि क्या, पर पेपर ट्री है। वो पेपर ट्री के नीचे जाके बैठ जाओ। कृष्णा वहां तक के जाते हैं और फिर जोर से कहते कि मुझे पहले क्यों नहीं यहां भेजा। सब शांत। अब वो दूरी पे बैठा हुआ है कृष्णा, और इधर पीछे इन लोग सब लोग बैठे हुए हैं। तो नित्या कहते हैं कि मुझे पता था कि कृष्णा की देह को उस महान आत्मा के लिए तैयार किया जा रहा है। मैंने झुककर वॉरिंगटन को उस तारे के बारे में बताया। एक तारा उस पेड़ के ऊपर चमकता हुआ दिखाई दिया था। तो नित्या ने वॉरिंगटन को बताया। पूरा स्थान किसी महान उपस्थिति से भर गया था। एक डिवाइन म्यूजिक भी थी और डिवाइन एनर्जी थी उस समय वहां पर। ऐसा लग रहा था कि मानो सबके प्रभु मैत्रेय वहां आए हैं, और कोई भी नहीं देख पाया। एक ही व्यक्ति ने उस मैत्रेय को देखा, वो थी रोजालिंड। उनका चेहरा अत्यंत हर्ष और आश्चर्य से भर गया था। नित्ता कहता है कि मैंने आज तक के किसी का चेहरा इतने हर्ष और आश्चर्य से नहीं देखा, जो रोजालिंड के चेहरे को मैंने देखा। और इसीलिए वो देख पाई क्योंकि उनकी आंखें निष्कपट थी, बहुत ही, क्योंकि वो कितना निस्वार्थ भाव से नित्या की भी सेवा कर रही है, निस्वार्थ भाव से 3 दिन से कृष्णा की सेवा कर रही है। एक सफेद आकृति अंधेरे में आती हुई दिखाई दी और सब कुछ समाप्त हो गया। इस बीच में नित्या लिखा है, मैंने पूरा पूरा नहीं लिखा, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब वो आश्चर्य से भर के देख रही थी, क्योंकि बाकी लोगों को तो कोई नहीं दिख रहा था, कोई प्रेजेंस दिख रही है, डिवाइन प्रेजेंस है, कोई महान आत्मा ही है, रोजालिंड से जैसे कोई बात कर रहा था। और जब उसको कोई कह रहा था तो वो कह रही थी कि हाँ हाँ मैं अवश्य करूंगी, हाँ हाँ मैं अवश्य करूंगी। और जैसे सफेद आकृति अंधेरे में आती हुई दिखाई दी, तो रोजालिंड जोर से चिल्लाई, आह वह आ रहे हैं, जाओ उनसे मिलो, जाओ उनसे मिलो। यह कहते ही वो गश खाकर कुर्सी से नीचे गिर गई। जब उसको होश आया तब उसको कुछ भी याद नहीं था, सब कुछ उसकी स्मृति से जा चुका था, सिवाय उस संगीत की ध्वनि के जो अब भी उसके कानों में थी। कौन ने बात किया, किसको कह रही थी कि मैं अवश्य करूंगी, वो कुछ भी उसको याद नहीं था।
पर उस समय वो मैत्रेय का पहली बार वहां पर आगमन हुआ था। ये देखिए हर चीज न उनकी तैयारी की जा रही है। ये जो 3 दिन थे उनकी यातना के, उनको दर्द हो रहा था, सर दुख रहा था, रीढ़ की हड्डी में, मतलब बहुत सी चीजें भी आप आगे देखेंगे कि जिसको हम प्रोसेस कहेंगे। अब सभी लोग प्रोसेस कहते हैं ना, अनुभव होगा आप, अगर आपके में एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है तो आप प्रोसेस को महसूस कर पाएंगे। मैं तो दिन के समय अक्सर कृष्णा पूरे समय उस पेड़ के नीचे समाधि अवस्था में पड़ा रहता था, और शाम को जब वो पिछली रात की तरह ही ध्यान में बैठा तो रोजा लेडने, आप सेकंड डे की बात बता रहा है नित्या, वो लेटर लिख के बताता था ना लेडबीटर और एनिबेसेंट को, उसी के ही क्लिपिंग्स, मतलब कुछ कुछ मैंने अंश निकाल के आपको बता रही हूँ। तो दूसरी रात में भी रोजा लेडने ने फिर 3 आकृतियां उसके चारों ओर देखी, कृष्णा के चारों ओर 3 आकृतियां। अभी भी किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ रोजा लेडने को दिख रहा है। और वो कृष्णा को साथ लेकर तुरंत चली गई और उसके शरीर को पेड़ के नीचे छोड़ गई। तब से वह हर शाम पेड़ के नीचे ध्यान में बैठता था, क्योंकि उस समय वो आते थे अन्य लोग और उसको लेके चले जाते थे, उसके सेल्फ को, बॉडी वही रहती थी। कृष्णा ने लेडबीटर और एनी को, एनी बेसेंट को लेटर लिखा। कृष्णा ने उनको बहुत, उसको कम स्मृति रही ना, ये जो भी चीजें हो रही थी ना उसकी बहुत, क्योंकि वो जब आता था वापस तो उसको याद नहीं रहता था कि उसके साथ क्या क्या हुआ, बहुत कम स्मृति रहती थी। पर उसने जो थोड़ा बहुत लिखा था उसमें एक विवरण यहाँ पे खत्म होता है कि मैं, कृष्णा लिख रहा है ना, इस घटना के बाद मैं अत्यंत आनंदित था क्योंकि मैंने दर्शन कर लिया था, कुछ भी अब पहले जैसा नहीं रह सकेगा, जीवन प्रवाह के उद्गम का स्वच्छ और शुद्ध जल मैंने पी लिया था और मेरी प्यास बुझ गई थी, अब कभी भी मैं प्यासा नहीं रह सकता, अब कभी भी मैं घने अंधकार में नहीं रह सकता क्योंकि मैंने प्रकाश को देख लिया है, मैंने उस करुणा का स्पर्श कर लिया है जो सारी दुख पीड़ाओं को हर लेती है। यह मेरे लिए नहीं है बल्कि विश्व के लिए है। पर्वत के शिखर पर खड़े होकर मैंने सर्वशक्तिमान विभूतियों को दृष्टि भरकर देख लिया है। उस दिव्य और उपचारकारी प्रकाश, मतलब डिवाइन और हीलिंग लाइट को मैंने देख लिया है। सत्य के स्रोत का मैंने साक्षात कर लिया है और अब अंधकार छट गया है। अपनी पूरी भव्यता के साथ लव ने, प्रेम ने मेरे हृदय को उन्मत्त कर दिया है। मेरा हृदय अब कभी भी बंद नहीं होगा। आनंद और शाश्वत सौंदर्य के स्रोत पर मैंने अपनी प्यास बुझाई है। कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर पंक्ति है, बताइए आप। आनंद और शाश्वत सौंदर्य के सोर्स पर मैंने अपनी प्यास बुझाई है। मैं ईश्वरोन्मत्त हूं, मतलब ईश्वर की तरफ उन्मत्त हूं। ये जब लिख रहे थे कृष्णा तो उसके एक दिन की पहले की घटना के बारे में भी उन्होंने लिखा था। अपन कहते हैं ना ओमनीपोटेंट, है ना, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, तो वो सर्व व्यापकता उनको महसूस हुई थी। कृष्णा बहुत अच्छे से लिखते हैं। देखिए मैं हर चीज आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं बता सकती। उसने लिखा कि कार आ रही है तो कार भी मैं हूँ, कार का टायर भी मैं हूँ और कार का इंजन भी मैं हूँ। कोई एक मजदूर हथौड़ा मार रहा है तो वो मजदूर भी मैं हूँ, हथौड़ा भी मैं हूँ, खील भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। और वो इतना, तभी तो उन्होंने कितना अच्छा लिखा है कि आनंद और शाश्वत सौंदर्य का स्रोत में मैंने अपनी प्यास बुझाई है। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कैसा अनुभव होता होगा, पर इच्छा जरूर होती है कि कभी कभी किसी जन्म में। अब ये प्रोसेस की घटना हुई। फिर 2 हफ्ते बाद नियमित शाम को 6:30 से 8:30 बजे तक रोज ये क्रिया होती थी, या 9 बजे ये सब क्रिया होती थी। लिखा था कि कृष्णा शाम के बाद कुछ भी नहीं खाते थे जब तक कि ये प्रक्रिया
प्रोसेस ना कंप्लीट हो जाए तब तक के नहीं खाती थी, और बाद में जब प्रोसेस हो जाता था तो बैठ के खाता था और लोगों से पूछता था क्या हुआ, अच्छा मुझे क्या हुआ था, अच्छा ऐसा हुआ था, कि बड़ी उत्सुकता से सुनता था कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं रहता था। अब नित्या ने बताया कि अब साथ में उसकी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होना शुरू हो गया था, जिसने उसने कुछ दिनों में यंत्रणा का रूप ले लिया। बुरे रीढ़ की हड्डी में उनके दर्द बहुत यंत्रणा का रूप ले ली। उसकी कृष्णा की अवस्था का दैनिक विवरण नित्या ने तैयार किया, जिसको एक लंबे वर्णन के रूप में उसने बेसेंट को और लेड बीटर को भेजा। उसके अनुसार, मतलब नित्या जो बता रहा है, कि उसका सेल्फ या ईगो कहें, ईगो सेल्फ या सेल्फ आत्मा जो भी कहें, उसके शरीर को यानी कि देह चेतना को, यानी कि यहाँ पे लिखा है फिजिकल एलिमेंटल या देह चेतना को सुपुर्द करके बाहर चला जाता था, और यही देह चेतना मतलब जो बॉडी कॉन्शियसनेस है वो दर्द सहती थी। इसीलिए जब कृष्णा वापस आता, कृष्णा मतलब सेल्फ जब वापस आता, तो उसको कोई भी दर्द की स्मृति नहीं रहती, क्योंकि वो तो रहता नहीं था, दर्द होता था तो वो चला जाता था, मतलब जब प्रोसेस होता था। दर्द कौन सहता था? उसकी फिजिकल मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस जो रहती है, फिजिकल एलिमेंटल, वो सहती थी, और इसीलिए उसको स्मृति नहीं रहती थी। और इस देह चेतना, देह चेतना समझ जाएंगे ना, बॉडी कॉन्शियसनेस, गलती से रोजालिंड को अपनी माँ समझ लेता है, कृष्णा अपनी माँ समझ लेता है। इतना सुंदर इसकी प्रोसेस का वर्णन किया गया उस समय, तो उनके लिए बहुत दर्द वाला था, परंतु आप आपके गूज़बम्स आ जाएंगे जब आप पढ़ेंगे उसके पूरी उसके वर्णन को। तो वो रोजालिंड को माँ समझता था, जैसे वो बोलता, कई जगह उसने लिखा है देह चेतना ने, कि इस बॉडी को वही छूने, उसको कृष्णा उसी को छूने देता है जिसको वो प्रेम करता है, क्योंकि वो जो बॉडी है जिसमें वो कृष्णा रहता है वो उसके लिए बहुत मूल्यवान है, तो उन्हीं लोग को टच करने देगा जिनको वो प्यार करता है। तो रोजालिन को प्यार करता था, और जो भी उसके आसपास रहता था ना, तो बॉडी कॉन्शियसनेस उसको मदर समझती थी, तो रोजालिन को भी मदर समझती थी, और बचपन की बातें करती थी और उससे पूछती थी तुम कृष्णा को जानती हो, कृष्णा तुमको प्यार करता है तभी तुम्हें मुझे छूने दे रहा है, ऐसे करके बहुत सुंदर तरीके से इसका पूरा वर्णन किया गया है। और हर प्रोसेस उसके लिए कितनी यंत्रणा वाली रही होगी, पेन रही होगी, आप और हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते। फिर ये प्रोसेस जब होता था तो कभी कभी कृष्णा को लगता था कि उसकी बॉडी को जला दिया जा रहा है, जलने का अनुभव होता था, और वो चिल्लाता था कि मुझे नदी में जाके डुबकी लगाने दो, मेरा बॉडी जल रही है। उसको बलपूर्वक रोका जाता था, क्योंकि वो कहीं पे भी मूर्छित होके गिर सकता है या उसको चोट लग सकती है। उसको कृष्णा को इस प्रोसेस के टाइम में डिम लाइट में एक फर्श पर, गद्दे पर उसको सुलाया जाता था, ताकि वो पलंग पे सोएगा तो गिर ना जाए, इसीलिए लुढ़क जाने के डर से उनको जमीन पे ही सुलाते थे, और एकदम डिम लाइट करते थे क्योंकि अधिक प्रकाश भी वो सहन नहीं कर पाता था। नित्या के अनुसार यह कुछ ऐसा था जैसे मरने की हालत तक जल चुके किसी व्यक्ति की देखभाल करना, पीड़ा जिसने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, लंबे लंबे दौरों के रूप में आती थी, कई कई घंटों तक के उसको पीड़ा को, उसकी बॉडी कॉन्शियसनेस को सहना पड़ता था। जब थोड़ी सी राहत मिलती, मान लीजिए थोड़ा सा पेन कम हुआ, तो वह अदृश्य लोगों से बातचीत करता था, मतलब वो जो बॉडी है ना वो किसी अदृश्य लोगों से बातचीत करती थी, या किसी एक से, जो कि लगता था कि हर रात को इन शल्य क्रियाओं मतलब इन ऑपरेशन के संचालन के लिए आता है। कृष्णा इन लोगों को वे या उन्हें कहता था, वे आए थे, उन्हें उन्हें ऐसा लगता, ऐसा करके बात करते थे। यह साफ लगता था कि उसे ये संकेत दे दिए जाते थे कि क्या होने वाला है, तभी वो कई बार दोपहर को या शाम को कहता था कि ओह आज रात को हालत खराब होने जा रही है, ठीक है कोई बात नहीं। जब दर्द बढ़ता जाता तो वो उसकी जो बॉडी थी वो सिसकने और छटपटाने लगती थी, कसकर चीखता, और कभी कभी राहत पाने के लिए खुलकर उसकी बॉडी रोती थी। कभी कभी देह चेतना सिसकते हुए कहती थी ओह नहीं नहीं रहम कीजिए, या कभी कभी कराहते हुए कहती थी कि हे माँ क्या मुझे इसके लिए ही पैदा किया है।
बाद में उसको कुछ भी याद नहीं रहता था जब कृष्णा वापस आता था, पर बॉडी जो बॉडी कॉन्शियसनेस है वो सब ये सब सिसकती थी, रोती थी, मिन्नतें करती थी कि मुझे छोड़ दो कृष्णा, वापस आ जाओ, ऐसे करके बहुत सी चीजें लिखी हुई है। फिर कभी कभी वो उनसे बातें करता रहता था कि शरीर की ओर ध्यान मत दीजिए, मैं इसे रोने से नहीं रोक सकता। मतलब कृष्णा की जो सेल्फ है वो कभी कभी उन लोगों से बात करती थी कि शरीर की ओर ध्यान मत दीजिए, मैं इसे रोने से नहीं रोक सकता, मैं और अधिक बर्दाश्त कर सकता हूं। एक बार लोगों ने देह चेतना को यह भी पुकारते हुए सुना, लौट आओ कृष्णा। यदि कृष्णा लौट आता तो प्रोसेस रुक जाती, क्योंकि उसकी सेल्फ को किसी दूसरे डायमेंशन में ले जाके क्या किया जा रहा था वो रहस्य, वो आज तक के भी नहीं मालूम है, तो वो प्रोसेस रुक जाती। इसीलिए और ऐसा प्रतीत होता था कि हर इवनिंग में, एवरी इवनिंग उसकी बॉडी के ऊपर एक निश्चित मात्रा में कार्य होता था, और बीच में यदि मान लो कोई डिस्टरबेंस हो जाता है तो बाद में उसको पूरा कर लिया जाता था। एक बार चर्च की घंटियों के कारण प्रोसेस रुक गई। मतलब बहुत सी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूं, मतलब सुन के आश्चर्य लगता है कि ऐसा प्रयोग पूरे वर्ल्ड में पहली बार और अंतिम बार किया गया, और सिर्फ इसलिए कि उनकी टीचिंग्स को यहाँ पर लाया जाए। दुर्भाग्यवश उसकी टीचिंग को कोई भी नहीं सुन रहा है। मैं बहुत जल्दी एंड करती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ही बताकर। तो कृष्णा की देह थकती जाती और कमजोर होते जा रही थी। अब कृष्णा को उन लोगों ने बताया, उन लोगों ने मतलब वो जो मास्टर्स थे या जो भी थे, एक दिन कृष्णा को उन लोगों ने बताया कि अब उसकी आंखों का शुद्धिकरण किया जाएगा ताकि वो दर्शन कर सके। अभी तक के जो दर्शन था वैसा नहीं, अब अलग ही प्रकार से उसे दर्शन करना था। वो अनुभव बहुत विभत्स था, जो ये प्रक्रिया थी वो बहुत ही यंत्रणा वाली थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मरुस्थल में तेज चमकते हुए सूर्य को देखने के लिए पलकों को काट दिया गया हो और कहा जाए कि सूर्य को देखें। तो सोचिए कि कितना दर्द वाला रहा होगा वो आंखों का शुद्धिकरण। फिर एक दिन कृष्णा ने बताया कि आज रात को कोई विशेष अतिथि आने वाले हैं, और नित्या को बोला कि आज रात को मेरे रूम में बुद्धा की फोटो रख लेना। बुद्धा से उनको बहुत प्रेम था कृष्णा को, जब वो घूमते रहते थे ना एनी बेसेंट के साथ, तो किसी मंदिर में गए थे, मंत्र मुग्ध हो गए थे बुद्धा से। अब होंगे ही भाई, है ना। तो बुद्धा की फोटो को अपने रूम में रखने के लिए बोलते हैं। तो इनसे पूछते कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, पर सबको मालूम था कि कौन आने वाला है। और उस दिन मैत्रेय बुद्धा आए थे, जिनकी दिव्य उपस्थिति हम सब लोगों ने महसूस की। और उसके बाद जब होश आया कृष्णा को, तो कृष्णा को वो लोग बधाई दे रहे थे कि बहुत कुछ बोल रहे थे। अब क्या बोल रहे थे वो तो कोई नहीं सुन सकता था, सिर्फ कृष्णा जो बोल रहा है वो आसपास के लोग सुनते थे और वो नोट करते थे। तो कृष्णा कह रहे थे कि इसमें शाबाशी मुझे क्यों दे रहे हो, ये तो आप लोगों का काम था और मेरा क्या रोल है, ऐसा वैसा करके सब तरीके से बात कर रहे थे। कृष्णा के शारीरिक कष्टों का अंत नहीं था, ये प्रोसेस पूरे समय उनके साथ की जा रही थी। अब उन्होंने उसके सिर में भी कुछ खोलना शुरू किया, उनकी ब्रेन को खोला गया, और उसकी उसने इतनी अवर्णनीय यंत्रणा हुई कि वह चीखता चिल्लाता रहा कि इसे बंद कर दो, ईश्वर के लिए इसे बंद कर दो। जब कष्ट असहनीय हो गया तो उन्होंने मतलब वो उन्होंने इसे बंद भी कर दिया, पर फिर कुछ समय के बाद खोल दिया, जिससे शरीर तब तक चीख पुकार करता रहा जब तक के वो बॉडी मूर्छित ना हो गई। ये कम से कम 40 मिनट तक चला, और जब अंततः यह सब रुका तो सभी के लिए ये हैरानी की बात हो गई, क्योंकि उस समय जो उसकी जो बॉडी कॉन्शियसनेस थी वो 4-5 साल के बच्चे के समान बात करने लग गई और अपने बचपन की घटनाओं को याद करने लग गई। ये जब सब चीजें प्रोसेस हो रही थी तो नित्या तो सब कुछ लैडबीटर और एनी बेसेंट को बताता था। तो उन्होंने कहा कि ये तीसरी दीक्षा की मान्यता है, की मान्यता है, मतलब थ्री
थर्ड स्टेजेस ऑफ इनिशिएशन हो चुका है, थर्ड डिग्री, थर्ड स्टेजेस बोलते हैं शायद, उसकी दीक्षा है। अब ये प्रोसेस के बारे में कोई नहीं बता पा रहा था, न लेड पीटर न एनी पर्सन, पर कृष्णा बहुत आश्वस्त था कि वो समझ, वो जान रहा था कि उसका शरीर मैत्रेय के आगमन के लिए तैयार किया जा रहा है और इसमें कोई भी बाधा नहीं देनी चाहिए। तो हर प्रोसेस की दोपहर को भी उसे मालूम रहता था कि आज उसके शरीर को फिर कष्ट होगा, पर फिर वो खुशी खुशी तैयार रहता था। प्रोसेस हर राज्यों की त्यों चलती रही और जब यह खत्म होती तो हर शाम को फिर से वो छोटा बच्चा बनकर बचपन की घटनाओं के बारे में रोजालैंड से बात करता, जिसे वो गलती से हमेशा अपनी माँ समझता था। इस प्रोसेस को नित्या ने कुंडली जागरण कहा, पर ये कुंडली जागरण नहीं है ऐसा लेडबीटर ने बताया, क्योंकि लेडबीटर के जब जागरण में जागरण हुई थी कुंडलिनी की तो थोड़ी सी घबराहट बस हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस प्रोसेस को कई डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट और कई लोगों को इनके नाम अलग अलग लोगों को बताया गया कि ये क्या हो सकता है। तो किसी ने कहा माइग्रेन, किसी ने हिस्टीरिया, किसी ने एपिलेप्सी कहा, किसी ने शिजोफ्रेनिया कहा, पर ये पूर्ण नहीं था। अगले कुछ सालों तक कृष्णा के शरीर में जो कुछ भी घटित हुआ उसमें उससे कुछ ऐसी उच्च शक्ति या ऊर्जा के मार्ग का खुलना संभव हुआ जो उसकी आगे की टीचिंग का स्रोत बना। मतलब ये पूरी प्रोसेस उसकी टीचिंग को रिवील करने के लिए तैयारी की जा रही थी, ये सारी प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। थैंक यू। Thank you.